Hey guys, welcome back to my channel. Good evening, कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी अच्छे होंगे. तो मैं चाह रही हूँ अभी साल भर ट्रेनिंग कराने के लिए. जैसे कि आप सभी को पता है कि धोनी के बाद तीज आने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ही चली जाऊँ और ट्रेनिंग करा लूँ. घर आकर के मुझे बहुत सारा काम भी है, तीज के लिए प्रिपरेशन कराना है और थोड़ा वीडियो भी शूटिंग करना है. तीज में मैंने क्या परचेज किया उस आईब्रो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ घर. और ये देखिए बहुत काफ़ी फेक हो चुकी है. मैं बनी को छोड़ करके आई हूँ, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा घर. और मुझे घर जा कर के वीडियो भी शूट करना है कल के लिए, और फिर खाना भी बनाना है, तो काफ़ी लेट हो जाएगा. तो मिलते हैं फ्रेंड. मैं घर पर पहुँच चुकी हूँ. अभी मैं लिफ्ट से बाहर निकल रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपने घर. देखते हो बनी क्या करते हैं. पढ़ती है अब बनी का मिक्सचर चल रहा है. अब दोनों का मैच भी यहाँ पर चल रहा है. मैं यहाँ पर बालों में कलर करने जा रही हूँ. और यहाँ पर मैंने गार्नियर का कलर लिया है. ये गार्नियर का बर्गंडी कलर है. और यहाँ पर हैंड ग्लव्स दिया है, तो इसे अपने हाथों में लगा लेना है ताकि हाथ में कलर ना लगे या फिर किसी भी कलर से कोई प्रॉब्लम ना हो. और मैं इसे कट करके अच्छे तरीके से. और यहाँ पर मैं बैंड लगाई हूँ ताकि कलर ये जो हीट होता है वहाँ ना लगे. और मैं यहाँ ग्लव्स लगा करके अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर कलर लगा लूँगी. यहाँ पर मैं ऐसे ऑन कर रही थी. ये देखिए मेरा कलर मैं यहाँ मैं लगा रही हूँ. मेरा यहाँ कलर लग चुका है और मैं इसे अच्छे तरीके से गोल कर ली हूँ और कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़. यहाँ पर देखिए बनी को मैं यहाँ उसके चेयर पर बैठा दी हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ. पहले मैं इसके ऊपर पाउडर अप्लाई करूँगी. ये देखिए इस तरह से लगा लेना है. और ये जो स्ट्रिप है इसको ऐसे आराम से खोलना है और हेयर का डायरेक्शन देखना है. तो मेरा हेयर का डायरेक्शन इस तरफ से है, तो मैं इसको लगा लेती हूँ. इसी तरह से आप अपने सारे हाथों का हेयर इस तरह से आप वन बाय वन करके निकाल लीजिए. बनी आप क्यों छिपा रहे हो? कार्टून से डर लग रहा है क्या? कार्टून से डर लग रहा है? और अब मैं जा रही हूँ फेशियल करने के लिए. यहाँ पर मैंने VLCC का फेशियल किट लिया है और VLCC का डायमंड ब्लीच लिया है. अब मैं इसे इससे फेशियल और ब्लीच करूँगी. यहाँ पर देखिए इसमें 6 का पैक है. यहाँ 6 स्टेप फॉलो करना है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रही हूँ. मैं इससे पहले ये क्लिंजर है, तो इसे मुझे अपने चेहरे पर इसे अप्लाई करना, अच्छे तरीके से फेस को अच्छे तरीके से क्लीन करना है. इसके बाद मैं सारा स्टेप फॉलो करूँगी. फेशियल कंप्लीट हो गया और मैं लास्ट में ब्लीच करती हूँ. तो ये देखिए मेरा ब्लीच भी कंप्लीट. फ्रेंड आज है तीज और मैं बैठी हूँ अभी लेकर के मेहंदी. सुबह के बज रहे हैं 11:30.
और मैं अभी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे रात में टाइम नहीं मिला था, और पता नहीं मुझे बनी लगाने भी देगा कि नहीं। उसके डाटा अभी थोड़ा सा पकड़े हुए हैं, बट पता नहीं उनके पास रहेगा कि नहीं, देखते हैं कितना देर साथ देता है। तो इस बार मैं सिंपल ही डिज़ाइन लगा रही हूँ क्योंकि बनी को भी संभालना है। मैं यहाँ मेहंदी लगा रही हूँ और बनी देखिए पीछे कैसे कर रहा है। अब मैं कैसे लगाऊँ? मम्मा को मेहंदी लगाने दो बिट्टू। क्या मम्मा लगा रही बिट्टू? आज खराब हो गया ना बेटा। बनी ये देखिए, बनी और मैं स्टिल अभी लगा रही हूँ मेहंदी। और ये देखिए यहाँ पर मेरा जितना सारा केबल रखा हुआ है, इसमें ये उठा करके फेंकेगा और इसके साथ ही खेलने वाला है। ये देखिए हमारे हस्बैंड दूसरे हाथ ऊपर लगा रहे हैं, एक हाथ पर तो मैं। एक्चुअली मुझे जाना था बाहर लगाने के लिए, बट मैं बाहर नहीं जा पाई क्योंकि बनी को भी संभालना था और इसके डैडा का मीटिंग भी था, तो प्रॉब्लम होता। तो मैं सोची कि मैं एक हाथ में खुद से लगा रही हूँ और यहाँ बोला कि मैं दूसरे हाथ पर लगा दूंगा, तो इसलिए मैं घर पर ही लगा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने लगाया है नारा मेहंदी, बहुत ही सिंपल सा मेहंदी है। तो बताइएगा कि मेहंदी कैसी लगी। और ये दूसरे हाथ पर हमारे हस्बैंड ने लगाया है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा लगाया है। मुझे उम्मीद नहीं था कि लगा पाएंगे, बट इन्होंने बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद हो आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।